Hello guys, this is Jaspal and again welcome to my channel STS Mentor. So guys, आज का जो मेरा video tutorial है उसका topic है packages in Java. कि Java में packages को कैसे create किया जाता है. तो guys, सबसे पहले हम cover करेंगे package होता क्या है, आप उसको Java में create कैसे कर सकते हो, package के कौन-कौन से type हैं. तो guys, start करते हैं. सबसे पहले package क्या होता है Java में. तो देखो simple है. जावा में क्या है, जावा ने क्या किया, ऐसी क्लासेस और इंटरफेस जिनकी वर्किंग क्या थी सेम. तो समझ में आ गया, ऐसी क्लासेस और इंटरफेस जिनकी वर्किंग क्या थी सेम, उनका कलेक्शन करके जब एक यूनिट में बाइंड कर दिया गया उसे हम पैकेज कहने लगे. तो पैकेज की इनडायरेक्ट डेफिनेशन क्या निकलती है, पैकेज इज अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस और इंटरफेस. मीन सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस को जब एक यूनिट में बाइंड कर देते हो वो आपका बन जाता है पैकेज. और अनदर इन कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन ये भी कह सकते हो आप कि जैसे ग्रुप ऑफ क्लासेस को जब एक नेम स्पेस एलोकेट कर दिया गया वो हमारा क्या होगा, पैकेज. तो गाइस, तो अगर आप जावा की इनबिल्ट क्लासेस को यूज करना चाहते हो, बहुत सारे जावा में इनबिल्ट मेथड्स अवेलेबल, अगर आप उनको यूज करना चाहते हो तो आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जो भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी किस्में पड़ी होती है पैकेजेस. तो पैकेजेस को कैसे क्रिएट किया गया, वर्किंग के हिसाब से कि सिमिलर वर्किंग जैसे जो इंटरनेट के लिए यूज हो रही है तो उनको नेट पैकेज में डाल दिया गया, जो ग्राफिक्स के लिए यूज हो रही है उनको स्विंग और एडब्ल्यू पैकेज में डाल दिया गया. मींस पैकेज की जो डिवाइडेशन हुई किस हिसाब से हुई, क्लास की वर्किंग के हिसाब से. सिमिलर क्लासेस को एक यूनिट में बाइंड कर दिया तो पैकेज बन गया. तो जावा में हमारे पास टू टाइप्स के पैकेज होते हैं, पहला हमारे पास होता है इनबिल्ट पैकेज, सेकंड हमारे पास होता है यूजर डिफाइंड पैकेज. तो गाइस, इनबिल्ट पैकेजेस वो पैकेजेस होते हैं जो जावा में पहले से ही डिफाइंड है. ऐसे पैकेज जो जावा ने पहले ही डिफाइंड कर रखे हैं आपको उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उनमें इनबिल्ट क्लासेस अवेलेबल हैं. तो एग्जांपल पे जैसे हमारे पास होता है लैंग पैकेज, लैंग के अलावा हम यूटिल पैकेज यूज करते हैं, एडब्ल्यूटी पैकेज, स्विंग पैकेज और स्विंग के अलावा नेट पैकेज. तो गाइस, ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं जो जावा में पहले से ही अवेलेबल है और जब हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस पैकेजेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो ये हमारे होते हैं इनबिल्ट पैकेजेस. सेकंड कैटेगरी जो पैकेजेस की होती है वो होती है यूजर डिफाइंड पैकेजेस, ऐसे पैकेजेस जो जावा में पहले से अवेलेबल नहीं है, आप खुद उसे क्रिएट करते हैं, मीन्स यूजर उसे क्रिएट करता है. तो गाइस समझ में आया, पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर और अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस इंटरफेस इज कॉल्ड अ पैकेज. बहुत सारी ऐसी क्लासेस जिनकी वर्किंग से सेम क्या थी उनकी कलेक्शन करके एक यूनिट बना दी, वो पैकेज बन गया. उसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज अ इनबिल्ट पैकेज, सेकंड इज अ यूजर डिफाइंड. इनबिल्ट पैकेजेस वो हुए जो पहले से ही जावा में डिफाइंड है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट उन पैकेजेस को कैसे क्या करोगे, यूज करोगे. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज, एडब्ल्यू टी पैकेज, स्विंग पैकेज. तो गाइस, सेकंड जो कैटेगरी है हमारे पास यूजर डिफाइंड पैकेज, कि ऐसे पैकेजेस जो जावा में अवेलेबल नहीं है लेकिन यूजर अपने पर्पस के लिए अपने यूज के लिए क्रिएट करता है. तो गाइस, तो इनबिल्ट पैकेजेस तो जब जस्ट आप यूज करोगे तो उसका नहीं है, लेकिन हम अभी इसमें कवर करेंगे यूजर डिफाइंड पैकेजेस कैसे क्रिएट करने हैं. तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे क्रिएट करने हैं, और साथ साथ मैं आपको सभी रूल्स बताते जाऊंगा कि जिन रूल्स को आपने क्या करना है, फॉलो करना है. तो सबसे पहले गाइस आप क्या करो, अपना एक फोल्डर बना के रख लो, कहीं भी रख सकते हो. तो मैं डेस्कटॉप एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं अपना पैकेज नेम से, जिसमें मैं अपने क्या स्टोर करूंगा, पैकेज को जो मैंने बनाया होगा पैकेज. तो गाइस ये मेरा पैकेज बन गया फोल्डर. तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब आपने पैकेज क्रिएट करना है तो कैसे करना है, देखो पैकेज में गाइस होता क्या है, इनबिल्ट क्लासेस. तो पैकेज क्रिएट करने का मतलब क्या, उसके अंदर आप क्लासेस क्रिएट करोगे. तो जब आपने पैकेज बनाना, सबसे पहला रूल, जब भी आपने किसी पैकेज के अंदर क्लास डिफाइन करनी है या पैकेज बनाना, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट पैकेज स्टेटमेंट होनी चाहिए. पैकेज स्टेटमेंट इन द सेंस वो स्टेटमेंट जिसमें आपने पैकेज डिफाइन किया हो. तो पैकेज स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज करना है पैकेज. सबसे पहले कीवर्ड यूज करना है पैकेज. पैकेज के बाद आप डिफाइन करोगे अपने पैक का नेम. तो जैसे मैंने पैक का नेम डिफाइन कर दिया माई पैक, और फिर लगाना आपने सेमी कोलन. तो ये आपकी क्या हो गई, पैकेज स्टेटमेंट हो गई. तो सबसे पहले जब आप पैकेज डिफाइन करोगे, सबसे टॉप पे सबसे ऊपर आपकी पैकेज स्टेटमेंट होनी चाहिए. सेकंड, अब पैकेज में क्या होता है, पैकेज में क्लासेस होती हैं. तो क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास कैसे क्रिएट करनी, क्लास कीवर्ड, और जैसे क्लास का नेम मैं रख रहा हूं फर्स्ट, और फिर आपके ये सेमी कोलन, मीन्स आप सॉरी सेमी कोलन ही गाइस, ब्रेसिस,
ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस मींस आपने क्लास का एरिया डिफाइन कर लिया। सेकंड रूल, पैकेज के अंदर जब भी आप कोई क्लास बनाओगे वो क्लास मस्ट बी पब्लिक होनी चाहिए। समझ आएगा, सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट। सेकंड रूल क्या है, जो भी क्लास आपके पैकेज के अंदर होगी वो क्या होनी चाहिए, पब्लिक। पब्लिक इन द सेंस उस क्लास को पब्लिक रखोगे तभी तो गाइस शेयर करोगे, क्योंकि पैकेजेस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद क्लास को यूज करना है तो उसको पब्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस क्लास को क्या करना है, पब्लिक। उसके अंदर आप जो भी मेथड्स वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं नाउ द टाइम ऐसे कर रहा हूं, पब्लिक वाइड प्रिंट मैसेज। तो मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया प्रिंट मैसेज, इसके अंदर ऐसी स्टेटमेंट डिफाइन कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल, और इसके अंदर मैंने मैसेज लिख दिया दिस इज फर्स्ट क्लास। तो गाइस इसमें मैंने डिफाइन कर दिया दिस इज फर्स्ट क्लास। तो ये हमारे पास क्या, एक सिंपल क्लास क्रिएट हो गई, और उसके अंदर मैंने एक मेथड बना लिया प्रिंट मैसेज, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट ले दी। तो गाइस जब आप पैकेजेस बना रहे हो जो पैकेजेस के अंदर क्लासेस होगी, थर्ड रूल क्या होगा, आप उसके अंदर वाइड मेन फंक्शन नहीं लगाओगे। गाइस पैकेज के अंदर जो क्लास है उसके अंदर आपने वाइड मेन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना मेन फंक्शन, क्योंकि आप पैकेजेस की क्लासेस को यूज करने के लिए बना रहे हो, ना कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेन फंक्शन हम वहां लगाते हैं जहां पे हमने प्रोग्राम को क्या करना होता है, एग्जीक्यूट। लेकिन पैकेजेस की क्लासेस को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इनको क्या करेंगे, शेयर पर्पस के लिए बना रहे। तो आप इसमें मेन फंक्शन मत डिफाइन करना। अब जब ये क्लास बनेगी तो आपने इस क्लास को सेव कैसे करना है, अब जब इसको प्रोग्राम को आपने सेव करना है तो सेव करने के लिए आप सेम क्लास नेम से सेव करोगे। तो गाइस डेस्कटॉप पे मैंने क्या बनाया था, पैकेज नेम का फोल्डर। तो आपने इसको सेव करना सेम क्लास से। तो ये आपका फोर्थ रूल है कि जब भी आप पैकेज की क्लास को सेव करोगे, कैसे सेव करोगे, क्लास नेम से सेव करोगे। और सेकंड, आप एक फाइल के अंदर एक क्लास ही क्रिएट करोगे। सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मेन जो क्लास बनेगी आपने एक फाइल में एक ही क्रिएट करनी है। तो गाइस ये क्या हो गई, हमारी क्लास की एक क्लास क्रिएट हो गई। तो अब पैकेज के अंदर अगर सेकंड क्लास आपने क्रिएट करनी है, सेम एज इट इज आप न्यू फाइल ओपन करोगे, और उसके बाद आपने सबसे पहली स्टेटमेंट क्या डिफाइन करनी है, अपने पैकेज स्टेटमेंट, सॉरी पैकेज स्टेटमेंट मींस गाइस उसके बाद पैकेज का नेम। तो मैंने नेम क्या रखा था, माई पैक, इसको माई पैक के अंदर रखना है। उसके बाद आपकी पैकेज स्टेटमेंट, पैकेज स्टेटमेंट के बाद अब क्लास डिफाइन करनी है। तो गाइस आपको रूल तो याद होगा, क्लास मस्ट बी अ पब्लिक, जो भी क्लास डिफाइन करनी हो पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक, क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नेम। तो मैं क्लास का नेम क्या डिफाइन कर रहा हूं, सेकंड। उसके बाद ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और इसके अंदर भी मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूं, पब्लिक वॉइड प्रिंट मैसेज, और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट डिफाइन कर दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल, और इसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं जस्ट सेकंड क्लास। तो गाइस मैंने तो मैसेज प्रिंट कर दिया सेकंड क्लास। तो गाइस ये सिंपल मैसेज। अब मैं इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूं जस्ट फॉर अ फन। तो ये हमारा मेथड हो गया स्टैटिक टाइप। आप जैसे मर्जी क्रिएट कर सकते हो गाइस, नॉर्मल भी कर सकते हो, स्टैटिक भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, गाइस मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी इस स्टैटिक कीवर्ड की, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, कौन कौन केसेस में आप यूज कर सकते हो, तो गाइस पहले उसे गो थ्रू हो जाओ। तो बैक टू टॉपिक, मैंने एक पैकेज क्रिएट किया सेकंड, और क्लास मस्ट बी अ पब्लिक, और पहली स्टेटमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, पैकेज स्टेटमेंट। उसमें मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया प्रिंट अ मैसेज। तो इसको आपने सेव कैसे करना, सेम एज अ क्लास नेम सेव करो। डेस्कटॉप फोल्डर हमारा कौन सा था, पैकेज, पैकेज के अंदर गए सेकंड डॉट जावा। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। तो गाइस हमारे हमने क्या किया, एक पैकेज बनाया माई पैक। इस पैक के अंदर पहले क्लास क्रिएट की कौन सी, फर्स्ट। फिर मैंने इस पैक के अंदर कौन सी क्लास क्रिएट की, सेकंड। अब ये माई पैक ऐसा पैकेज होगा जिसके अंदर कितनी क्लासेस होंगी, टू क्लासेस होंगी। तो जब आपने ये क्लासेस बना लेनी है तो आपने अपने पैक को एग्जीक्यूट कैसे करना है, सबसे पहले सीएमडी ओपन करते हैं। तो गाइस डेस्कटॉप सीडी, डेस्कटॉप सीडी पैकेजेस, और अब देखो कमांड क्या लगानी है। अब देखो आपके पास पैकेज नेम का फोल्डर है, इसके अंदर मेरी टू क्लासेस है। पहला आपके पास क्या है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड क्लास। अब ये कौन से पैकेज में जानी चाहिए, आपकी माई पैक के अंदर।
तो इसको कंपाइल करने के लिए आपके पास क्या कमांड होती है गाइस, ऊपर मैं इसको डोस को नीचे कर देता हूं सो डैट आपको पैकेज बनता दिखे भी सही। तो डोस में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले जावा सी जावा कंपाइलर, उसके बाद आपने कमांड यूज करनी माइनस डी फॉर डायरेक्टरी, उसके बाद स्पेस फर्स्ट डॉट फॉर अ करंट डायरेक्टरी, उसके बाद स्पेस और स्टार डॉट जावा, मीन्स करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी जावा फाइल्स, स्टार का मीनिंग क्या ऑल, और इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स आ जाएगी हमारी, फर्स्ट डॉट जावा और सेकंड डॉट जावा, ये सारी फाइल क्या हो जाए कंपाइल, और कंपाइल होगी इनका क्या बन जाए पैकेज। तो गाइस लुक एट दिस फोल्डर, मेरे पास एक पैकेज बन गया, उस पैक का नेम क्या है माई पैक। तो आप ऐसे पैकेज क्रिएट करोगे। तो गाइस इसको क्रिएट करने की एक और कमांड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो इसको डिलीट करने के बाद अगर आप इसको फिर कंपाइल करना चाहते हो जावा सी उसके बाद माइनस डी फिर आपने स्पेस डॉट फिर स्पेस डॉट और फिर साथ ही आपने लगाना स्लैश, स्लैश के बाद आपने टाइप करना स्टार डॉट जावा। तो ये कमांड के बाद भी आप चेक कर सकते हो आपके लिए देखो गाइस फोल्डर में क्या बन गया आपका पैकेज। तो इस कमांड का मीनिंग क्या होता है, माइनस डी फॉर डायरेक्टरी, फर्स्ट डॉट फॉर अ करंट फोल्डर, सेकंड फॉर अ चाइल्ड डायरेक्टरी, उसके अंदर स्लैश लगा के मैंने बता दिया कि जो भी क्लास फाइल्स होगी उसके अंदर स्टोर होगा। पैकेज के अंदर क्या होता है गाइस, पैकेज के अंदर कभी जावा क्लासेस नहीं होती, तो ये जावा क्लासेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये जावा क्लासेस हम इसमें नहीं रखेंगे। किसी भी पैकेज के अंदर होती क्लास फाइल्स मीन्स कंपाइल्ड फाइल्स। तो मैंने जब माई पैक ओपन किया आप इस माई पैक के अंदर देख सकते हो टू क्लासेस है, पहली फर्स्ट डॉट क्लास सेकंड डॉट क्लास, मीन्स अपने पैकेज के अंदर आपने कौन सी क्लासेस रखनी है, फाइल्स रखनी है डॉट क्लास फाइल्स मीन्स कंपाइल फाइल, आपने जावा वाली फाइल्स नहीं रखनी, क्योंकि पैकेज को आप क्या करते हो इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने के बाद आप क्लास को यूज करते हो, ना कि उस क्लास को पहले कंपाइल करो फिर यूज करो, नो, सबसे पहले कंपाइल्ड फाइल ही आपने पैकेज के अंदर रखनी सो डैट आप उसको क्या कर सको यूज कर सको। तो गाइस ये मेरे पास एक पैक बन गया माई पैक, और उसके अंदर मैंने टू क्लासेस डिफाइन कर ली है, फर्स्ट डॉट क्लास और सेकंड डॉट क्लास। तो अब मैं क्या करता हूं थर्ड प्रोग्राम बनाते हैं, और थर्ड प्रोग्राम के अंदर हम इन पैकेजेस पैकेज को यूज करके देखेंगे, इस क्लासेस को यूज करके देखेंगे। तो सब गाइस तो क्रिएट करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्लास डिफाइन कर लेते हैं, क्लास क्लास का नेम मैंने डिफाइन कर दिया थर्ड। तो गाइस इसके अंदर मैंने लगाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस, तो ये हमारा क्या हो गया थर्ड क्लास बन गई। अब मैं चाहता हूं जो मैंने फर्स्ट डॉट क्लास माई पैक बनाया उसको यूज करूं, उसकी क्लास को यूज करूं। तो जब आप पैकेज बना लेते हैं तो पैकेज को इंपोर्ट कैसे करना है, उसको इंपोर्ट करने के कौन कौन से वे हैं। सबसे पहला वे जस्ट यूज इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद आप अपने पैक का नेम माई पैक, और माई पैक के बाद आप डॉट लगा के क्लास का नेम बताओ किसको इंपोर्ट करना चाहते हो। जस्ट मैंने लिखा फर्स्ट, और लास्ट में आपने लगाना सेमी कोलन। तो मैंने बता दिया कि मैं अब कौन सा पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पैकेज। तो जब ये पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा मींस आप फर्स्ट क्लास को इस प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। आपने पैकेज की फर्स्ट क्लास को इंपोर्ट कर लिया मींस इस क्लास के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना, जैसे मैंने फर्स्ट एफ इक्वल टू न्यू फर्स्ट, मैंने क्लास का क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और मैंने इस क्लास के अंदर अगर आपको याद हो मैंने इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया था, मेथड का नेम क्या था प्रिंट मैसेज। तो हम इसको कॉल करके चेक करके देखते हैं क्या ये कॉल होता है, एफ डॉट प्रिंट मैसेज। तो मेथड मैंने कॉल किया, मेथड होगा फर्स्ट क्लास। तो इस प्रोग्राम को क्या करते हैं सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा जो यूजर डिफाइंड पैकेज जो मैंने अभी बनाया था वो इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको सेव करते हैं गाइस, सबसे पहले कंट्रोल एस और कंट्रोल वी डॉट जावा। तो मेन गाइस आपने ये भी ध्यान रखना है जहां आपने अपना पैकेज रखा हुआ है बना के, जैसे मैंने माई पैक रखा है, जहां आपका पैकेज पड़ा है आपने अपना प्रोग्राम वहीं पे सेव करना है जिस जहां पे आप पैकेज को यूज कर रहे हो। तो गाइस ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं मान लो सपोज करो मेरे पास मैंने पैकेज डी डायरेक्टरी में रख दिए, प्रोग्राम सी डायरेक्टरी में रख दिए, दोनों अलग अलग डायरेक्टरी में है, प्रोग्राम एक डायरेक्टरी में पड़ा है पैकेज एक डायरेक्टरी में पड़ा है, तो इन केस में भी हम पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कैसे उसको यूज करना है। तो अभी सिंपल है गाइस, हम उस केस को अज्यूम कर रहे हैं जिसमें क्या है कि हमारा पैक भी एक सेम फोल्डर में रहेगा, और जिस प्रोग्राम या पैकेज को यूज कर रहे हैं
उस प्रोग्राम को भी आपने सेम फोल्डर में रखना। अब जहां मेरा माई पैक पड़ा है इसी फोल्डर में मैं सेव करूंगा थर्ड डॉट जावा। तो गैस इसको आप सेव करते हैं थर्ड डॉट जावा। तो कंपाइल करके देखते हैं क्या हमारा पैकेज इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो गैस जावा सी थर्ड डॉट जावा। तो गैस कंपाइल मींस देयर इज नो एरर। इसको रन करते हैं जावा थर्ड। तो गैस आउटपुट आ गई दिस फर्स्ट क्लास। ओह गलत लिख दिया मैंने गाय, दिस इज लिखना था। चलो कुछ नहीं होता, अब तो जो आ गया सो आ गया। तो मैसेज आ गया हमारे पास कि ये फर्स्ट क्लास का मेथड क्या हो गया, कॉल। इसी तरीके से अगर आप पैकेज की सेकंड क्लास को यूज करना चाहते हो आप लिखोगे इंपोर्ट माई पैक डॉट सेकंड। तो ये मैंने सेकंड क्लास इंपोर्ट कर ली। तो देखो गाइस ये पहला वे है क्लासेस को इंपोर्ट करने का, पैक का नेम और साथ में आपने क्या डिफाइन करना है क्लास का नेम। अब मैंने सेकंड क्लास इंपोर्ट कर ली तो मैं सेकंड क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, सेकंड एस इक्वल टू न्यू सेकंड। तो गैस एस के साथ मैं मेथड को कॉल करूंगा एस डॉट प्रिंट मैसेज मेथड बना रखा मैंने इसमें। तो चेक करते हैं हमारी आउटपुट आ रही है। तो गैस कंपाइल होगा मीन्स आउटपुट आएगी लो सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास। तो जो मैंने पैकेज के अंदर क्लासेस बनाई थी इंपोर्ट भी हो गई, वर्क भी कर रही। और सेकंड वे क्या है किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने का, आप सिंगल लाइन में भी इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना है, जहां आपने माई पैकेज का नेम लिखा वहां पे आप स्टार लगाओ। स्टार का मीनिंग क्या होता है, ऑल क्लासेस। तो ऐसे करने पे भी आपकी सभी क्लासेस क्या हो जाएंगे इंपोर्ट। चेक करते हैं आउटपुट। ओ गाइस क्या आ रहा है, ओके गाइस थोड़ी डायरेक्टरी की प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं इसको देख लेते हैं अभी। तो स्टार, तो ओके ओके गाइस, तो इसको मैंने जब स्टार इंपोर्ट किया ये सभी फाइल्स को इंपोर्ट कर रहा है, तो इसको हटा देता हूं अभी। नाउ द टाइम आप ऐसे इंपोर्ट कर लो फर्स्ट डॉट ऐसे इंपोर्ट माई पैक डॉट सेकेंड। तो इससे क्या हो गया, हमारा पैकेज माई पैक के अंदर जो क्लासेस है वो इंपोर्ट हो जाएंगे। सेकंड वे क्या है, आप स्टार के साथ भी इंपोर्ट कर रहे हो अभी। नाउ द टाइम पता नहीं क्या रह रहा है, मैं चेक कर लेता हूं अभी। तो थर्ड वे क्या होता है, आप अगर इंपोर्ट कीवर्ड नहीं लगाना चाहते, विदाउट इंपोर्ट भी क्लास को यूज करना चाहते हो, कैसे यूज करोगे, जहां आपने क्लास यूज की है उसके साथ डॉट लगाओ और पैकेज का नेम डिफाइन कर दो माई पैक। तो इसके साथ भी आप लिख सकते हो माई पैक। तो गाइस ये आपका क्या हो गया कि मैंने बता दिया जो मैं फर्स्ट क्लास यूज कर रहा हूं कौन से पैकेज की यूज कर रहा हूं, माई पैक की। तो आप अपने पैक को ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो माई पैक डॉट सेकंड माई पैक डॉट सेकंड। तो ये मैंने सीधा डायरेक्ट पैक के नेम से क्लासेस को कॉल किया। तो चेक करते हैं कि ऐसे भी हमारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाती हैं। तो गाइस देखो ऐसे ही हमारी क्लासेस क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। तो गाइस ये डिफरेंट वे से जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने पैकेजेस को आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद अभी हमारा क्या होगा, पैकेजेस का टॉपिक कवर हो गया किस तरह से आप पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपने सब पैकेजेस क्रिएट करने हैं तो वो कैसे करने हैं गाइस, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कैसे। तो आपको समझ में आएगा, पहले आप इंपोर्ट पैकेज का नेम क्लास का नेम ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप अलग अलग क्लासेस नहीं बताना चाहते तो आप अपने पैक के साथ डॉट स्टार लगा सकते हो, इसका मीनिंग भी क्या होता है आप सारी क्लासेस को कॉल कर रहे हो। और इसके अलावा आप सेपरेटली हर क्लास के साथ माई पैक लगा सकते हो जिससे भी आप क्लास क्या कर सकते हो इंपोर्ट। तो इसमें सेकंड हमारा क्या रहेगा कि सब पैकेजेस कैसे इंपोर्ट करने हैं। तो गाइस मैं क्या करता हूं, अभी जो मेरे पास ये पैकेज बना था मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और अपने इस को भी डिलीट कर रहा हूं। ओके गाइस, तो अभी क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम है इसमें मैंने क्या किया था कि माई पैक, तो मैं क्या कहूंगा इस माई पैक के आगे लिख दूंगा एस टी एस डॉट माई पैक।
इसका मीनिंग ये बनेगा, सबसे पहले ये पैकेज क्रिएट करेगा एसटीएस, उस पैकेज के अंदर जाके एक फर्दर पैक क्रिएट करेगा माइक पैक, मींस इसमें क्या होगा, ये मेन पैकेज होगा और इसके अंदर सब पैकेज क्रिएट होगा। तो इसको गाइस कंपाइल करके देखते हैं क्या हमारा सब पैकेज बनता है। जावा सी, उसके बाद आपका माइनस डी स्पेस डॉट स्पेस, उसके बाद लिखते थे स्टार डॉट जावा, नाउ द टाइम आई ओनली फर्स्ट क्लास को ज्यूम करूंगा फर्स्ट डॉट जावा। तो गायस चेक करते हैं ये कंपाइल हो गया, ये देखो गायस, तो अभी मेरे पास एक पैकेज क्रिएट हो गया एसटीएस, इसको ओपन किया, इसके अंदर एक फर्दर फोल्डर है माई पैक, इसके अंदर मेरी फर्स्ट क्लास पड़ी, मीन्स सबसे पहले आपके पास पैकेज क्रिएट हुआ एसटीएस, उसके बाद क्रिएट होगा माई पैक, उसके अंदर जाके ये क्लास क्रिएट हुई फर्स्ट क्लास। तो ऐसे आप सब पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। इसको यूज कैसे करना है गायस, तो आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इस स्टफ को मैं डिलीट कर देता हूं जो पहले से अवेलेबल है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे इंपोर्ट एसटीएस मेन पैकेज, उसके अंदर आपने क्या डिफाइन किया था सब पैकेज जिसका नेम क्या था माई पैक, और उस पैक के अंदर आप डिफाइन करोगे जो क्लास आपने बनाई थी फर्स्ट। तो गाइस ये आपका क्या हो गया, आपने फर्स्ट क्लास इंपोर्ट की, सबसे पहले आपने सब मेन पैकेज एसटीएस, उसके अंदर सब पैकेज माई पैक, फिर उसके अंदर क्लास है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्लास को यूज करके देखते हैं, मेथड कॉल किया प्रिंट मैसेज, तो अभी चेक करते हैं जावा सी थर्ड डॉट जावा, तो कंपाइल हो गया मींस नो एरर, तो जावा थर्ड, तो गाइस आउटपुट आ गई, मींस ये हमारा सब पैकेज वर्किंग हो रहा है। तो गाइस इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्या लर्न किया कि एक पैकेज को कैसे क्रिएट करना है और उस पैकेज को इंपोर्ट करने के कौन कौन से वे हैं, पैकेज के कितने टाइप्स होते हैं, पैकेज की डेफिनेशन क्या है, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि आपके जो पैकेज जिसको आप क्रिएट कर रहे हो वो आपका पैकेज और जिस प्रोग्राम में आप पैकेज को यूज कर रहे हो दोनों सेम फोल्डर में होने चाहिए। इसमें मैंने देखो गाइस ये मेरा पैक पड़ा और जिस प्रोग्राम में मैंने इसको यूज करा ये मेरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, मीन्स पैकेज और क्लास सेम फोल्डर के अंदर है। तो ऐसे रखने से ही आपकी आउटपुट आएगी। अगर आप और पैकेजेस को किसी और फोल्डर डायरेक्टरी में रख देते हो और क्लास के प्रोग्राम को किसी और डायरेक्टरी में रख देते हो तब आपके पास एरर आएगी कांट फाइंड सिंबल और कांट फाइंड क्लास की। तो ऐसे आपका वर्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में वर्क करेंगे कि हमने अगर एक पैकेज को किसी और डायरेक्टरी में और प्रोग्राम को किसी और डायरेक्टरी में रख दिया तो दोनों को एग्जीक्यूट कैसे करना, ये चीज हम कवर करेंगे। तो गाइस नाउ द टाइम थैंक्स, प्लीज वीडियोज को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, एंड अगेन गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।